इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज। राहुल गांधी ने दी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि, कहा उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत। पीएम मोदी का 5 नवंबर को केदारनाथ दौरा, 4 सालों में 5वीं बार पहुंच रहे हैं केदारनाथ। चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की तैयारी तेज, आज गोरखपुर में गरजेंगी प्रियंका गांधी, सीएम योगी को घेरने की होगी कोशिश। चुनाव में जमीन तलाश रही आप, संजय सिंह ने गठबंधन से किया इनकार, कहा बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी जनता। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी की आज 37वीं पुण्यतिथि है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज शक्ति स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी दादी अंतिम घड़ी तक निडरता से देश सेवा में लगी रही, उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। नारी शक्ति की बेहतरीन उदाहरण श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की साल 1984 में आज ही के दिन सिख अंग रक्षक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है, जिस पर राहुल गांधी उन्हें नमन करने के लिए पहुंचे, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। कई बड़े कांग्रेस के नेता और दिग्गज नेता आज इंदिरा गांधी को की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में 5वीं बार बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें वो अपने पहले कार्यकाल में 4 बार बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे थे और इससे पहले सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी 80 के दशक में 2 बार केदारनाथ धाम पहुंची थी। आपको बता दें भगवान आशुतोष के 12वें ज्योतिर्लिंग में से 11वें केदारनाथ धाम के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था बहुत ज़्यादा है। 80 के दशक में 1.5 महीने तक केदारपुरी में मंदाकिनी नदी में बाई तरफ गरुड़ चट्टी में उन्होंने लगभग 1.5 महीने तक साधना की थी, तब वो प्रतिदिन बाबा के दर्शनों के लिए केदारनाथ मंदिर में पहुंचते थे। जबकि देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे थे, तब उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना के साथ धाम से देश को संबोधित भी किया था। ये भी पहला मौका था जब किसी पीएम ने केदारनाथ से जनता को संबोधित किया हो। आपको बता दें अपने भाषण में पीएम मोदी ने गरुड़ चट्टी में बिताए दिनों का भी जिक्र किया था। तो ऐसे में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ पहुंच रहे हैं। आपको बता दें केदारनाथ पहुंचने के लिए उनकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तैयारियों का जायजा ले रहे हैं ताकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ पहुंचे तो किसी भी तरह की कोई भी कमी तैयारियों में ना रह जाए। तो यानी कि दिवाली के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुँचेंगे और केदार बाबा के दर्शन करेंगे। लोह पुरुष सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केवड़िया पहुंचे। वहां उन्होंने पहुंचने के बाद सबसे पहले सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह के अलावा जल थल वायु सेना के अधिकारी, ओलंपिक एशियन और विविध खेलों में मेडल विजेता खिलाड़ी और पुलिस अधिकारी कर्मचारी भी शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिकॉर्डेड वीडियो संदेश के माध्यम से समारोह को संबोधित कर रहे थे और में सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने लगातार 3 कार्यक्रमों में भाग लिया था, लेकिन इस साल इटली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की वजह से वो हिस्सा नहीं ले पाए। तो आज गुजरात के केवड़िया में शाह पहुंचे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं गुजरात के केवड़िया की है, जहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। ऐसे में तमाम अधिकारी, तमाम नेता वहां पर मौजूद रहे। हालांकि प्रधानमंत्री अपने इटली दौरे पर हैं, इस वजह से वो इस बार कार्यक्रम में नहीं मौजूद हो सके हैं, लेकिन
उन्होंने एक रिकॉर्डेड संदेश वहां से जरूर भेजा है, जिससे उन्होंने देश को एक बार फिर से संबोधित किया। और ऐसे में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे। ये तस्वीरें कार्यक्रम की आप देख सकते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी रविवार को गोरखपुर के चंपा देवी पार्क से गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों को एक साथ साधेंगी। प्रतिज्ञा रैली के माध्यम से दोनों मंडलों के लोगों से महिलाओं को 40% सीटों पर हिस्सेदारी, किसानों का पूरा कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ और कोरोना काल का पूरा बकाया साफ करने, 20 लाख को सरकारी रोजगार देने जैसे वादों को हम वचन निभाएंगे नारे की प्रतिज्ञा लेंगी। आपको बता दें, रैली की तैयारी के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय से लेकर राज्य स्तर के नेता गोरखपुर में जुटे हुए हैं। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव राजेश तिवारी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया था। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि गोरखपुर की सरजमी पर प्रियंका गांधी की ऐतिहासिक रैली होगी। गरीबों मजलूमों की हक की लड़ाई और न्याय दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहने वाली प्रियंका गांधी ने प्रदेश की जनता में एक नई संभावना जगा दी है और प्रदेश की जनता आशा भरी नजरों से उनकी ओर देख रही है। तो आज एक बार फिर से गोरखपुर में प्रियंका गांधी गरजेंगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी को आड़े हाथों प्रियंका गांधी ले रही हैं। और इससे पहले आपको ये बता दें, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी वो रैली कर चुकी हैं और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर से प्रियंका गांधी हुंकार भरेंगी, रैली करने जा रही हैं और तैयारियां रैली की पूरी कर ली गई हैं। हालांकि आज एक बहुत बड़ी रैली होगी और सीधे तौर पर प्रियंका गांधी बीजेपी को चुनौती देती हुई नजर आएंगी। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी रविवार को सहारनपुर में शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पार्टी के पदाधिकारियों ने सम्मेलन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें, पार्टी के प्रदेश महासचिव पवन राव अंबेडकर ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी मजलूमों की आवाज बनकर उभरे हैं। शोषित और वंचितों के हकों की लड़ाई के लिए पार्टी संघर्ष कर रही है, इसी कड़ी में सम्मेलन कर रहे हैं। शनिवार को जनता रोड खुर्द बस अड्डे के पास प्रेस वार्ता के दौरान पवन राव अंबेडकर ने कहा कि पार्टी हर जिले में सम्मेलन कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में लोग सताए जा रहे हैं, ऐसे ही शोषित लोगों को एक मंच पर लाने की कवायद की जा रही है। शोषित और वंचितों को शिक्षा, रोजगार और अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार में ये नहीं हो पा रहा है। तो आज सहारनपुर से असदुद्दीन ओवैसी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर रैलियों का दौर चल रहा है और ऐसे में आज सहारनपुर में असदुद्दीन ओवैसी पहुंचेंगे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और इससे पहले उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश की जनता को ना तो कुछ मिला है और प्रदेश की जनता को झूठ बोला जा रहा है और ऐसे में उन्हें ठगा भी जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डेनिस और जुम्मे की नमाज के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जुम्मे की नमाज की छुट्टी की अधिसूचना की जांच के लिए अपनी सारी एजेंसियां लगा लें, जबकि डेनिस इन दिनों उत्तराखंड और दिल्ली में बिक रही है। एक पूर्व सैनिक का तो ये भी कहना है कि बीजेपी सरकार में ये सेना की कैंटीन में भी उपलब्ध होने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ये बताए कि कांग्रेस सरकार में शराब यदि जहर थी तो इसे पीकर कितनों की मौत हुई है, जबकि वो बता सकते हैं कि बीजेपी सरकार में भगवानपुर में शराब पीकर कितनों की मौत हुई है, काशीपुर में कितने मरे, चंडीगढ़ से उत्तराखंड आ रही शराब से कितनों की मौत हुई है। तो एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें, बीते दिन अमित शाह उत्तराखंड गए थे, जहां से उन्होंने कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया था और ऐसे में उन्होंने कहा था कि जुम्मे की नमाज पर छुट्टी देने की बात कही थी, जिसको लेकर अब हरीश रावत ने पलटवार किया है। हरीश रावत ने स्वीकार
की खुली बहस की चुनौती उन्होंने दी है अमित शाह को। उन्होंने कहा कि जुम्मे की नमाज की आप बात करते हैं, लेकिन आप कांग्रेस पर हर तरह से तंज कसते हैं कि कांग्रेस में शराब पीने से कईयों की जान गई थी, लेकिन बीजेपी सरकार में अब क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपनी जमीन तलाशने में जुटी हुई है। पार्टी पूरे प्रदेश में कई जनसभाएं कर चुकी हैं। इसी क्रम में आज गाजियाबाद के घंटाघर में भी एक रैली का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद संजय सिंह कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और रैली के कार्यक्रम को आगे उन्होंने बढ़ाया। इस दौरान संजय सिंह ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अभी भी कोरोना की मार नहीं भूली है। प्रदेश की जनता गंगा में सड़ने और बहने वाली लाशों को नहीं भुला पाई है। संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग पहले से भी ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच गया है। इसके अलावा किसी भी प्रदेश को बनाने के लिए शिक्षा सबसे अहम मुद्दा होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार घटता जा रहा है। तो संजय सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें, चाहे कोरोना की व्यवस्था हो, अव्यवस्था हो, बढ़ती महंगाई हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरता आ रहा है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की जनसभा की गई थी, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी जनता कोरोना काल में किस तरह से व्यवस्थाएँ थी उसको भूली नहीं है, किस तरह से नदियों में लाशें मिली थी उनको भी अभी तक जनता ने भुलाया नहीं किया, और जिस तरह से बीजेपी ने 4 साल में कुछ नहीं किया, जनता उसका जवाब उन्हें 2022 में दे देगी। सरदार पटेल की जयंती के समारोह में इटावा पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को राजनीति में स्थिर रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी से तालमेल को लेकर उन्होंने कहा कि हमें जो करना था कर चुके, अब उनकी तरफ से निर्णय आने वाला है, लेकिन अब हम रुकने वाले नहीं हैं। एक बड़े दल और छोटे छोटे दलों से समझौता करके चुनावी मैदान में हम आएंगे। कार्यक्रम में शिवपाल यादव ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माला पहनाकर उनका सम्मान किया। कुर्मी समाज ने शिवपाल यादव का जोरदार स्वागत भी किया। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में प्रदेश में 15 नए कोरोना संक्रमित मामले मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 6 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। आपको बता दें, सक्रिय मरीजों की संख्या 155 हो चुकी है। शनिवार को 9 जिलों में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वहीं हरिद्वार में 2, पिथौरागढ़ में 1, नैनीताल में 5 और देहरादून में 7 संक्रमित मरीज मिले हैं। ऐसे में प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमित मामलों की संख्या 3 लाख से ज्यादा हो चुकी है और इनमें से 3 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,400 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं प्रदेश की रिकवरी दर 96.01% और संक्रमण दर 0.13% दर्ज की गई है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले घटने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, सक्रिय मामले घट गए हैं। शनिवार को 15 नए मामले पूरे प्रदेश में सामने आए, यानी कि एक बेहद ही राहत वाली खबर ये उत्तराखंड से है कि जहां पर कोरोना के मामले बेहद कम हो चुके हैं, पूरे प्रदेश में 24 घंटे में सिर्फ 15 कोरोना के मामले सामने आए हैं। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी इजाफा हो रहा है। ऐसे में यूपी में भी पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब पर
अब ढीली होने लगी है। राज्य के लोग अब सरकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को घटाने की अपील कर रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में बीते एक महीने से 22वीं बार कच्चे तेलों की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। महीने के अंतिम दिनों में राज्य में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने बीते 5 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। ऐसे में सरकारी तेल कंपनियों ने रविवार यानी 31 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल के रेट में प्रति लीटर 35 से 37 पैसे का इजाफा किया। ऐसे में देश भर में तेल की कीमतों पर महंगाई अब आसमान छू रही है। तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से यूपी वासियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में पूरे देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन यूपी में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए अब जनता बेहद परेशान है। 30 पैसे एक बार फिर से इजाफा हुआ है पेट्रोल के दाम में, और अक्टूबर में 22वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में ये इजाफा हुआ है, और ऐसे में सीधे तौर पर इसका जनता की जेब पर असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुकी बीजेपी नेता साध्वी उमा भारती ने उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों को लेकर सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस खत्म हो चुकी है और इस चुनाव में सपा बसपा की हालत भी कांग्रेस जैसी हो जाएगी। उमा भारती ने कहा कि बीजेपी अब देश भर में लंबा शासन करेगी, क्योंकि भारत और बीजेपी अब एक हो गए हैं। वहीं मुंबई ड्रग्स मामले में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक के आरोपों पर उन्होंने कहा कि पहले तो ये देखना चाहिए कि आरोप लगाने वाला है कौन और क्या वो खुद में पाक साफ है। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि क्या उनकी स्थिति रही है। भैया देखो, यहाँ क्या हो गया है कि ये अपनी करतूतों से खत्म हो गए सपा बसपा वाले, कांग्रेस तो पहले ही खत्म हो गई थी, और वो तो इतनी बुरी तरह से खत्म हो गई कि वो रिवाइव हो नहीं सकता उनका, कांग्रेस का। तो अब बचे सपा और बसपा, तो इनको एक 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 टर्म ऐसा मिला जिसमें ये अकेले थे, दूसरा इनके साथ कोई था नहीं। पूरे 5 साल फुल मिले, पहले बसपा को मिले फिर सपा को मिले, और इन लोगों ने जो उस समय करतूतें की उसका परिणाम ये निकला कि इनको पता नहीं कि लोग इनसे आघा गए हैं, मतलब इनकी वापसी हो नहीं सकती, ये कितने ही प्रयत्न करें। इधर भाजपा को एक मौका मिला 5 साल अपनी मेजोरिटी का, और इसका परिणाम, और ये समय वो था जब डेवलपमेंट एक एजेंडा था, और उसका उसके बारे में जो सबसे बड़ी निपुणता थी वो बीजेपी की ही थी, और इसलिए उसका परिणाम ये निकला कि विकास और उसके साथ ही साथ राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद का व्यवहारिक पक्ष जिसमें सभी समाजों को साथ में लेके चलने की सोच, सामाजिक सोच, ये तीनों चीज़ों का जो मेल हुआ है, एक सामाजिक व्यवस्था का व्यवहारिक सोच, विकास की जो लोगों की भूख है आवश्यकता है उसकी ठीक से समझ, और उसके अधिष्ठान में राष्ट्रवाद का विचार, ये तीनों का जो मेल हुआ है, उसके बाद तो अब भाजपा बहुत लंबे समय तक की शासक पार्टी हो गई है, भारत भाजपा एक हो गई। लालकुआ में प्रेस वार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने बीजेपी को डबल इंजन की सरकार कहते हुए जमकर निशाना साधा और कहा कि इन 4.5 सालों में बीजेपी सरकार ने जनता को ठगा है, जनता 2022 में बीजेपी सरकार को इसका जवाब देगी। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए जी जान से लगे हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी जनता की सेवक है, हमेशा जनता की सेवा के लिए आगे रहेगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं, बेरोजगारी और विकास में कोई सुधार नहीं हुआ, जबकि सरकार को गंभीर होकर इन मुद्दों पर कार्य करना चाहिए था। बेड के अस्पताल के बारे में भी बता चुका हूं, एनआरएचएम के माध्यम से भारत सरकार की योजना है, वो बन रहा है, कहीं भूमि उपलब्ध नहीं थी, स्वास्थ्य विभाग की भूमि वहाँ खाली पड़ी थी इसलिए वहाँ बन रहा है, लेकिन जो 30 बेड का अस्पताल जिसको सामुदायिक भवन के रूप में हम कहते हैं, जिसमें आवासीय भवन भी होते हैं, जिसमें अन्य सारी सुविधाएं होती हैं, तो वो अभी तक लंबित है। तो ये विकास की सोच आप सब लोगों के सामने, भाजपा का विकास जनता का जो है वो जनता को अब दिख रहा है, और निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार आएगी इस प्रदेश में फिर से, जितने भी हमारे काम रुके हुए हैं वो बहुत जोरदार तरीके से आगे बढ़ेंगे,
और ऐसा संदेश जाएगा कि कांग्रेस निश्चित रूप से काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। कांग्रेस आएगी और भाजपा जाएगी। उद्धम सिंह नगर के सितारगंज में बाढ़ पीड़ितों की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र यादव के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता की गई, जहां योगेंद्र यादव ने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए बताया कि देवी आपदा से सबसे ज्यादा तबाही उद्धम सिंह नगर में हुई है। पूरे जिले में 50-60 सालों में बसे गरीब मजदूरों की तबाही के बाद भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा सुध लेने के लिए नहीं आया है। सरकार की मंशा गरीबों के नुकसान की भरपाई करना नहीं, क्योंकि सरकार इस समय चुनाव तैयारी में है। उन्होंने बताया कि आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ित गरीबों मजदूरों की फसल सड़कर बर्बाद हो गई है, किसान परेशान हैं और भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। इस दैवीय आपदा जो आई अब की बार उत्तराखंड में, इसमें उधम सिंह नगर में बहुत तबाही मची है। पूरे जिले में तमाम डाम क्षेत्रों में जो लोग गरीब लोग बसे हुए हैं पिछले 50-60 सालों से, अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा उसमें सुध लेने नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री जी आए यहाँ खटेमा में तो सेल्फी लेने में मशगूल रहे, ठेले पे मूंगफली खाने में मशगूल रहे और फोटो वायरल करने में मशगूल रहे। बड़े खुश रहे लोग जब मुख्यमंत्री जी ठेले पे मूंगफली खा रहे हैं, लेकिन बगल में वही शारदा डैम में उसके अपर स्टीम क्षेत्र में इतने लोग डूब रहे हैं, बेघर हो गए हैं, नानक सागर में, बैगुल सागर में, ढोरा सागर में, उसके अलावा और भी जहां डाउन क्षेत्र था, चाहे वो सितारगंज का एरिया हो, सत्य फार्म, नानक मत्ता, गुलर भोज का एरिया हो, गदरपुर का, रुद्रपुर का, इतनी तबाही मची, ऐसा मंजर आया तबाही का आपके साथ, लेकिन उसको बिल्कुल संकुचित कर दिया। बाराबंकी में तहसील परिसर में मामूली बात को लेकर वकील और लेखपाल के बीच जमकर विवाद हो गया। वहीं वकील ने लेखपाल पर उसकी पिटाई करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद नाराज वकीलों ने लखनऊ अयोध्या रोड को जमकर नारेबाजी की, साथ ही लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। इसके बाद हंगामे की जानकारी होने पर मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा, मामले को शांत कराया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। At GLA University, we make the way. We inspire.